गूगल के इवेंट के बाद अब कमिंग मंथ में एप्पल का एनुअल डेवलपर इवेंट होने वाला है। कंपनी का ये इवेंट 5 जून को एप्पल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर कैलिफोर्निया में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसको आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस इवेंट में और क्या कुछ खास होने वाला है और इससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। एप्पल अपने एनुअल डेवलपर्स इवेंट में अपना मच अवेटेड मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट को लॉन्च करेगा। जी हाँ, इसके अलावा भी कई चीजें इस इवेंट में लॉन्च होगी, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट। एप्पल पिछले कई सालों से अपने पहले मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट पर काम कर रहा है। अब कंपनी इसे 5 जून को लॉन्च कर सकती है। ये हेडसेट XROS पर काम करेगा, जिसमें एक्सटर्नल बैटरी पैक मिलेगा। इसमें 2 4K OLED डिस्प्ले भी मिलेगी। वहीं एप्पल के पहले मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट की कीमत $3,000 के आसपास हो सकती है, यानी ये 2,40,000 के आसपास लॉन्च होगा। दूसरा है, एप्पल हर साल WWDC में नया सॉफ्टवेयर अपडेट यूजर्स को प्रदान करता है। जी हाँ, इस साल भी आईफोन यूजर्स को iOS 17 अपडेट मिलेगा, जिसमें कंपनी थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट देने वाली है। इसके साथ ही रीडिजाइन किया हुआ कंट्रोल पैनल, इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। iPad यूजर्स को iPadOS 17, स्मार्ट वॉच यूजर्स को WatchOS 10 और टीवी के लिए Apple TVOS 17 को लॉन्च करेगा। इस इवेंट में Apple 15 इंच MacBook Air को भी लॉन्च कर सकती है, जी हाँ, जो Apple M2 प्रोसेस पर काम करेगा। ये कंपनी का सबसे हल्का नोटबुक हो सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलेगी, जो 65Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा एप्पल नेक्स्ट जनरेशन iMac को भी WWDC में लॉन्च कर सकता है, जो थर्ड जनरेशन M3 एप्पल सिलिकॉन चिपसेट के साथ आएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।